के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले सरफरोशी है माँ तुम्हारा, जरूरतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, वतन के सजीले जवानों। बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआए, काम से आए जरी पास मानो, मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, मेरे नगमे तुम्हारे एथिक्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ख्याल करने हैं कि एक तो आपने जो आईडी कार्ड हैं आपके ये वाले आइडेंटिटी कार्ड ये आपने अवेजा करने हैं सामने, उसके बाद यूनिफॉर्म आपका मुकम्मल होना चाहिए, टोपी कोई आदमी नहीं उतारेगा ऐसे कोई नहीं लहराएगा, जो टोपी आपने पहनी हुई है बिल्कुल इसी तरह पहन के बैठेंगे, किसी आदमी ने टोपी नहीं उतार दी है सर, किसी किस्म की कोई चिट कोई पफलेट वगैरह वहाँ पे तकसीम नहीं होगा, ये हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है, किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगेगा, ना पाकिस्तान जिंदाबाद ना इस किस्म का, लास्ट में वो जो नारा स्टेज से लगाएगा वो हमें काबिल कबूल है, उसका जवाब हमने देना है, यहाँ से उठ के किसी भी जगह से किसी ने कोई अपनी तरफ से नारा नहीं लगाना है, और खामोशी से आपने जितनी भी है वो कार्रवाई सुननी है, उसके बाद हमने ठीक है बैठने के मुताबिक बता दें किस तरह बैठना है, वो तरतीब के सर यहाँ पे उतरेंगे ना वहाँ से वो तरतीब बनेगी, वो लिस्ट बनी हुई है वो आपकी तरतीब बनेगी इंशाल्लाह, वहाँ पे सबने फालन होना है पहले, फिर तरतीब के साथ वो लेके जाएंगे, ये रेहान साहब आपको वहाँ पे फालन करेंगे उसके बाद तरतीब के साथ चले जाएंगे, ठीक है। पास बंद से
چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے, اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, یہ فضا تمہاری ہے, بحر پر تمہارے ہیں, کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس